यस मेरा टुडेज टॉपिक इज फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइन स्ट्रेंथ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाट इज स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी ऑफ द मसल्स टू ओवरकम एनी रेजिस्टेंस। एज यू नो स्ट्रेंथ का आपकी स्पोर्ट्स में, गेम में, डेली रूटीन वर्क में बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल होता है। ठीक है, जो आदमी, जो एथलीट स्ट्रांग होगा, नेचुरली ही और शी विल वर्क मोर विदाउट एनी फटीग। ठीक है, तो हम स्ट्रेंथ का हर गेम में, आपकी डे टू डे लाइफ में, आपने अगर नॉन स्पोर्ट्स पर्सन हो, आप स्पोर्ट्स पर्सन हो, ठीक है, आप में अगर स्ट्रेंथ होगी, आपके बॉडी मसल्स प्रॉपर इंटैक्ट होंगे, तो आपका पोस्चर अच्छा होगा। ठीक है, आप किसी भी काम को इजिली कर सकते हो विदाउट एनी फटीग, तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर योर डेली लाइफ। तो हमने स्ट्रेंथ का सबसे पहले करना है कि स्ट्रेंथ क्या है। स्ट्रेंथ आपको मैंने बताई थी लास्ट टाइम भी, स्ट्रेंथ स्टैटिक स्ट्रेंथ है, डायनामिक स्ट्रेंथ है। ठीक है, फिर इसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। ठीक है, तो अब आपका मेन टॉपिक ये हमारा है कि कौन से फैक्टर डिटरमाइन करते हैं आपकी जो स्ट्रेंथ है, वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिनके कारण हम किसी आदमी की स्ट्रेंथ को देख सकते हैं कि इसमें स्ट्रेंथ कितनी होगी। व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स। सबसे मेन फैक्टर जो आपका होता है, दैट इज अ टाइप्स ऑफ मसल फाइबर। ठीक है, जो आपके मसल्स हैं, मसल फाइबर, बेटा सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए, आपकी बॉडी में टू टाइप्स के मसल्स होते हैं, एक स्लो ट्विच फाइबर मसल्स, एक फास्ट ट्विच फाइबर मसल्स। ठीक है, एज वी अर्लियर डिस्कस इन स्पीड, स्लो ट्विच फाइबर मसल एंड फास्ट ट्विच फाइबर मसल। जो स्लो ट्विच फाइबर मसल्स होते हैं, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिविटीज। ठीक है, और जो आपके स्लो फास्ट ट्विच फाइबर मसल्स होते हैं, वो आपके जो स्प्रिंटिंग इवेंट होते हैं उसमें आपको यूजफुल होते हैं। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये पता होना चाहिए कि स्लो ट्विच फाइबर मसल एंड फास्ट ट्विच फाइबर मसल्स में क्या डिफरेंस है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। हर आदमी की बॉडी में डिफरेंट रेशियो होती है फाइबर्स की। ठीक है, किसी जिसकी बॉडी में अगर फास्ट ट्विच फाइबर मसल ज्यादा होंगे, तो दैट पर्सन इज वेरी गुड फॉर स्प्रिंटिंग इवेंट्स। वो मस्कुलर बॉडी वाले एथलीट होते हैं, उनके बिग मसल्स होंगे, एंड दैट दे पर्सन आर वेरी गुड इन स्प्रिंटिंग इवेंट्स। ठीक है, तो मसल्स के जो फाइबर्स पे आपका बहुत डिपेंड करता है। अगर आपकी बॉडी में स्लो ट्विच फाइबर मसल्स हैं, एंड इफ यू आर गोइंग फॉर 100 मीटर रेस, ठीक है, 200 मीटर रेस, तो क्या होगा, देयर इज सम लिमिट ऑफ योर बॉडी। आप किसी लेवल तक तो आप उसमें कामयाब हो सकते हो, बट इफ यू आर गोइंग फॉर एनी इंटरनेशनल लेवल मेजर टूर्नामेंट, तो वो एक रिस्ट्रिक्शन हो जाती है। ठीक है, आपकी बॉडी में कौन से मसल्स हैं, तो आपको उसी पे ज्यादा कंसेंट्रेट करना होगा। तो जो मसल्स के फाइबर हैं, इनका साइज पे बहुत डिपेंड करता है, इनकी रेशो पे आपका बहुत डिपेंड करता है आपकी स्ट्रेंथ का। ठीक है, आपने देखा होगा जो मस्कुलर जो होते हैं एथलीट, जब कोई भी आदमी है, दे हैव अ मोर स्ट्रेंथ, मोर पावर, क्योंकि उनके मसल्स ज्यादा बॉडी में होते हैं, तो नेचुरली दे विल जनरेट मोर पावर। नेक्स्ट इसमें आपका आ जाता है बेटा साइज ऑफ द मसल्स। ठीक है, ये मसल फाइबर हो गए, देन नेक्स्ट साइज ऑफ द मसल। इट इज कॉमन सेंस, आपको पता ही है, जिसके मसल्स ज्यादा होंगे, ठीक है, मसल्स का जो साइज ज्यादा होगा, नेचुरली वो दे विल जेनरेट मोर पावर, मोर स्ट्रेंथ। ठीक है, तो आपने देखा होगा जितने भी मस्कुलर बॉडी वाले होते हैं एथलीट, कोई भी होंगे, दे हैव अ मोर पावर, दे हैव अ मोर स्ट्रेंथ। ठीक है, इफ यू हैव अ मोर स्ट्रेंथ, मोर पावर, नेचुरली यू विल बी अ गुड एथलीट फॉर एनी एक्टिविटी, यू कैन डू दैट एक्टिविटी इजिली। अगर आप में स्ट्रेंथ होगी, आप कोई भी अपनी गेम है उसको लॉन्गर ड्यूरेशन तक खेल सकते हो, आपको थकावट कम होगी, आपके जो मसल्स हैं दे आर रेडी फॉर एनी अपकमिंग लोड। जब भी हम कोई ट्रेनिंग देते हैं बेटा, कोई भी एक्टिविटीज कराते हैं, तो आप में अगर स्ट्रेंथ नहीं होगी, इफ यू हैव अ नो स्ट्रेंथ, यू कांट गो फॉर एनी
लोडिंग जिसको हम बोलते हैं ट्रेनिंग, जो ट्रेनिंग आपकी होती है उसमें लोडिंग सिस्टम होता है, ग्रेजुअली वी इंक्रीज द लोड। कोई भी जो बच्चा होता है उसको हम धीरे 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 ट्रेनिंग जब करा रहे होते हैं तो उसको पहले सिंपल से कॉम्प्लेक्स पे ले जाते हैं, उसको पहले इजी एक्सरसाइज कराएंगे, फिर उसको थोड़ा डिफिकल्ट, फिर और कॉम्प्लेक्स स्टेजेस पे जाते हैं। इफ एनी प्लेयर एनी एथलीट इज ए नेशनल लेवल, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल, देन देर इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेनिंग मेथड आल्सो। उसमें ट्रेनिंग के आपके मेथड भी डिफरेंट होते हैं, जैसे आप कंपटीशन कर रहे हैं उससे पहले आपने बच्चे को फिट कैसे रखना है, उसके लिए आपके स्ट्रेंथ सबसे पहले आपको उसकी इंप्रूव करनी होगी। बेटा सबसे मेन हमारा ये होता है दिस इज स्ट्रेंथ। अगर हमने ट्रेनिंग किसी बच्चे को देनी है तो पहले उसको हमने स्ट्रॉन्ग करना है, उसको फिजिकली फिट करना है। अगर एथलीट आपका फिजिकली फिट नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसमें स्ट्रेंथ नहीं है, तो आप उसको कोई भी एक्टिविटी नहीं करा सकते हो फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, ठीक है। अगर आपने एक्सरसाइज करनी है, फिटनेस करनी है, गेम खेलनी है, तो इट नीड्स 7 to 8 प्रैक्टिस डेली। जैसे हम स्टडी करते हैं सेम इन द पार्ट ऑफ द स्पोर्ट्स एंड गेम्स, डेली आपको ग्राउंड में जाना पड़ेगा, डेली आपको स्पोर्ट्स एक्टिविटी करनी पड़ेगी, तभी आपको कहीं पे रिजल्ट मिल सकता है। देन मस्कुलर बॉडी, नेचुरली इट इज अंडरस्टूड कि मस्कुलर जो होगा उसमें ज्यादा पावर होगी। देन आपका बॉडी वेट, ठीक है, जो वेट, अब ये स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ वेट से भी होती है, जो लीन एंड थिन, जो पतला आदमी होगा एज कंपेयर टू जिसका वेट ज्यादा है, नेचुरली उसका वेट ज्यादा इसलिए है कि उसमें ज्यादा मसल्स है, तो उसमें भी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। आपने देखा होगा जो भी लॉन्ग डिस्टेंस के जितने एथलीट होते हैं, या फिर कोई आपका जैसे साइक्लिस्ट होते हैं, ठीक है, जहां पे लॉन्ग ड्यूरेशन की एक्टिविटीज होती हैं, वेयर देर इज अ मोर नीड ऑफ एंड्योरेंस, वो सारे एथलीट वो पतले होते हैं, ठीक है। आप कोई भी वर्ल्ड का लॉन्ग डिस्टेंस का आप देखोगे एथलीट, आपको वो मस्कुलर नहीं दिखेगा, मतलब मोटा बल्कि या मस्कुलर नहीं होगा, वो बिल्कुल पतले होंगे। दे हैव ए वेरी गुड एंडोरेंस। एरो, आपको पता है व्हाट इज एनारोबिक एंड एरोबिक एक्टिविटीज? हाँ जी, यस, तानिश तनिश तानिश वर्मा वंशनू, व्हाट इज एरोबिक एनारोबिक एक्टिविटीज? आपको पूरी बुक हर चैप्टर को बड़ा माइन्यूटली पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज देर इज ए 1 मार्क्स एमसीक्यू, आपको बोर्ड की भी इंस्ट्रक्शन आ गई है, ठीक है, कहीं से भी कोई भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, आपको पूरी पूरा टॉपिक थोरोली पढ़ना पड़ेगा, जो जो डिफरेंट टर्म इसमें यूज होती हैं वो भी आपको एज ए एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। ये नहीं कि बुक, आप बोलोगे ये बुक में नहीं है, दैट इज ऑल। अभी मैंने आपको बोला है स्लो ट्विच फाइबर मसल्स, ठीक है, फास्ट ट्विच फाइबर मसल्स, समटाइम किसी बुक में ये नहीं लिखा होगा डिटेल में, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्लो ट्विच फाइबर मसल्स फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, फास्ट ट्विच फाइबर मसल्स फॉर शॉर्ट डिस्टेंस रेसेस। सेम एरोबिक मींस विद द प्रेजेंस ऑफ एयर, जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं जो एयर के आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करते हो दैट इज एरोबिक। एनारोबिक मींस की विदाउट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। शॉर्ट डिस्टेंस रेसिस, जितनी भी आपकी शॉर्ट डिस्टेंस रेसिस होती हैं, ये फर्दर आपको स्पीड में आएगा, ठीक है। तो बॉडी वेट का भी बहुत ज्यादा आपका डिपेंड करता है, जो बॉडी का वेट है, ठीक है, वेट वेट से आपको देन लिम, दिस इज लिम, साइज ऑफ लिम, लिम होता है जो आपका लोअर एक्सट्रीमिटी जैसे हम बोलते हैं, पोर्शन ऑफ योर अपर, हम एक टर्म यूज करते हैं फिजिकल में, लोअर एक्सट्रीमिटी अपर एक्सट्रीमिटी, लोअर लिम अपर लिम, नीचे वाला पार्ट वेस्ट से और ऊपर वाला पार्ट, ठीक है। अब आपका कोई एथलीट है, कईयों के क्या होता है लेग्स थोड़ी लंबी है, कईयों की आर्म्स थोड़ी लंबी होती है, ठीक है, ये कई बॉडी पोस्चर डिफरेंट एथलीट का डिफरेंट होता है, तो जिनके लिम्स का साइज भी बड़ा होगा नेचुरली, आपने देखा होगा कि समटाइम्स जो टॉल होते हैं, ठीक है, टॉल पर्सन है उसका वेट ज्यादा होगा, बिकॉज दे हैव ए मोर, अगर बेशक वो इतना मोटा नहीं है पतला नहीं है, पर जब आप वेट उनके वेट चेक करते हो तो क्या होता है, वेट ज्यादा होता है, बिकॉज जितना आपके लिम का साइज ज्यादा होगा तो वो आपका वेट भी ज्यादा बढ़ेगा। कई लोग बोलते हैं ना ये इतना पतला है लंबा है बट इसका वेट इतना है, तो दैट इज ड्यू टू दैट लिम साइज, ठीक है।
लिम्ब साइज पे भी आपका डिपेंड करता है आपकी स्ट्रेंथ का। आपने देखा होगा लॉन्ग एंड टॉल कई एथलीट होते हैं, मोस्ट ऑफ द गेम इन आपका वॉलीबॉल हो गया, ठीक है, बास्केटबॉल हो गया, ये ऐसी गेम है इसमें आपको हाइट की हमेशा एडवांटेज रहती है। और टॉल आपको वहां पे इवन गर्ल्स वुमेन टीम अगर आप देखोगे इंटरनेशनल लेवल पे वॉलीबॉल की या बास्केटबॉल की, उनकी हाइट सबकी ऑलमोस्ट 6 होती है, और 6+ वाले तो बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो लिम्ब का साइज पे भी आपकी स्ट्रेंथ डिपेंड करती है। देन इंटेंसिटी ऑफ योर नर्व्स, कितनी जल्दी आप नर्व्स का सिग्नल हमको, कोई भी अगर हम काम करते हैं, ठीक है, जिसको हम कोऑर्डिनेशन बोलते हैं, अगर हमारा बॉडी का और माइंड का कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा तो नेचुरली व्हाट हैपन, एकदम से आपका उस एक्टिविटी में कनेक्टिविटी होने से वो मसल्स एकदम एक्टिवेट होंगे फास्ट, ठीक है, और वो जनरेट करेंगे। जैसे आपको एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ चाहिए, वेन एवर इन द गेम ऑफ एनी वेयर वी नीड अ एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, तो उससे क्या होगा, ये दैट इज अ कोऑर्डिनेशन ऑफ योर माइंड एंड बॉडी। अगर आपका वो अच्छा होगा तो आप बहुत एक्सप्लोसिव, जहां पे आपको स्ट्रेंथ चाहिए होती है, जिस गेम में चाहिए होती है, उसमें आपको एक एज रहता है, उसका एक आपको एडवांटेज मिलेगा। तो देन नेक्स्ट इज योर एज, एज एज लिमिट, ठीक है, हम बोलते हैं ना एक एज होती है, देयर इज ए एज लिमिट फॉर ईच एंड एवरी एक्टिविटीज। आप कोई भी गेम खेलते हो वहां पे उन्होंने डिफरेंट कैटेगरीज बनाई होती हैं, ठीक है, हैव यू नो, आपको पता है बेटा एज वाइज मैचेस होते हैं सारे, हैव यू सीन एनी टूर्नामेंट जहां पे आपको छोटे बच्चों को सीधा ही बड़े बच्चों से खिला देते हैं, पता है किसी को, कुछ बोला भी करो बेटा, व्हाई देयर इज अ डिफरेंट कैटेगरीज, क्यों बनाते हैं हम डिफरेंट कैटेगरीज इन बॉक्सिंग, आपने देखा होगा इन रेसलिंग देयर इज अ डिफरेंट कैटेगरीज फाइट, वो वेट के हिसाब से उनकी उनका कंपटीशन होता है, क्यों होता है वो, यस बेटा एनी रीजन, वंश नूर तानिश कुछ तो बोलो, एम आई ऑडिबल टू यू अमरप्रीत, यस बेटा से यस और नो, व्हाई देर इज ए वेट कैटेगरीज इन स्पोर्ट्स, अमरप्रीत नहीं पता है, हाँ जी बेटा यस आई एम ऑडिबल और नॉट, पहले यही बता दो से यस और नो, तनिष चलो ओके वी कंटिन्यू, वेट कैटेगरी एंड एज, इफ वी आर नॉट गिविंग दिस क्राइटेरिया टू चिल्ड्रन टीनेजर्स, तो व्हाट हैपन, एक 12 साल का बच्चा आप उसको अगर 25 के साथ एज ग्रुप में खिला दोगे, व्हाट हैपन, नेचुरली इन स्ट्रेंथ स्पीड एंड्योरेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी वो 25 ईयर्स के ग्रुप से वीक होगा, ठीक है, एक्सेप्शन केस आर ऑलवेज देयर, आप ये नहीं बोल सकते हो कि वो खेल नहीं सकता है। सम ऑफ द एथलीट दे आर पार्टिसिपेटिंग इन ओलंपिक्स 14 ईयर 15 16 ईयर एंड दे आर गेटिंग मेडल्स, ठीक है, बट हम एज कैटेगरीज बनाते हैं, जूनियर सब जूनियर्स, ठीक है, देन अंडर 18 अंडर 19 डिफरेंट, आपकी स्टेट में डिफरेंट कैटेगरीज हैं, सीबीएसई के एज ग्रुप डिफरेंट है, वो इसीलिए एज ग्रुप बनाते हैं सो दैट बच्चा अपने एज ग्रुप में कंपीट करेगा,
वहां पे उसको अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। अगर अपने से बहुत स्ट्रॉन्ग बच्चे के साथ किसी से कम्पीट करता है तो नेचुरली क्या होगा, वो अपने आप को वो डिमोरलाइज भी हो सकता है, वो उसको अपनी गेम को दिखाने का मौका नहीं मिलेगा। अगर आपका ओपोनेंट बहुत स्ट्रॉन्ग एकदम हो जाता है तो उससे क्या होगा, वो बच्चा अपना टैलेंट नहीं दिखा पाएगा। तो इसीलिए वो डिफरेंट एज कैटेगरीज बनी होती हैं कि आपने जो भी इवेंट कराने एज वाइज कराने, एज वाइज इसीलिए कराते हैं कि उस एज में उस बच्चे की जो स्ट्रेंथ है, अगर उससे 5 6 ईयर का बड़ा बच्चा आप खिला देते हो तो उसके देर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंट बिटवीन द स्ट्रेंथ एंड स्पीड एंड ईच एंड एवरी कंपोनेंट्स। देन आपका जेंडर, ठीक है, इसमें भी एक रीजन है। और एज एक बेटा ऐसी चीज है, जैसे जैसे क्या होता है ओल्ड एज में जाते हैं तो आपका सारी चीजें जितने भी आपके स्पीड है, स्ट्रेंथ है, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन है, वो आपकी सारी सारी स्लो डाउन, स्लो होनी, कम होनी शुरू हो जाती है, वीक होनी शुरू हो जाती है। ये जरूरी नहीं है, इफ यू आर डूइंग रेगुलर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, कोई आप ट्रेनिंग कर रहे हो, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, तो यू विल बी मेंटेन योर स्ट्रेंथ। बट मोस्टली व्हाट हैपन आफ्टर 50 55 60 रिटायर हो जाता है जब कोई आदमी, तो वो क्या होता है उसका वर्क जो लाइफस्टाइल होता है वो सारा चेंज हो जाता है, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल जीरो हो जाती है, तो उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो धीरे 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 कम होना शुरू हो जाती है, मसल्स आपके वीक होना शुरू हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें स्ट्रेंथ की, आपका एज, जेंडर, मसल फाइबर, लिम्ब का साइज हो गया, ठीक है, ये इस पे सारी डिपेंड करती है। नेक्स्ट हमारा इसी में टॉपिक आता है आपका, ये स्पीड। स्पीड एज आई अर्लियर टोल्ड यू, इट इज ए हेरिडिटिकली, इट इज ए जेनेटिक, ठीक है, ये हेरिडिटिकली होती है, बट नो डाउट वी कैन इम्प्रूव बाय डिफरेंट मेथड्स, ठीक है, आप डिफरेंट मेथड्स में यूज करके आप इसको इम्प्रूव कर सकते हो। और मोस्टली व्हाट आर द मेन फैक्टर्स, मेन फैक्टर्स आपका मोबिलिटी ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है, हाउ क्विक यू रिएक्ट, ये आपका सारा सेंटर नर्वस सिस्टम, CNS, सेंटर नर्वस सिस्टम पे डिपेंड करता है। अगर आपने स्पीड है, जो आपकी स्पीड में क्या होता है, आपको इनिशियल स्टेज पे यू हैव टू मूव फास्ट, यू हैव टू क्विकली रिस्पॉन्ड इन अ पर्टिकुलर जो आपको सिचुएशन होती है जहां पे आपको सिग्नल दिया जाता है, जैसे हम 100 मीटर का स्विमिंग का स्टार्ट होता है, वहां पे ऑन योर मार्क सेट देन देर इज ए गन फायर, जैसे गन फायर होती है तो आपको बहुत जल्दी उस पर रिएक्ट करना होता है। हाउ क्विकली हाउ फास्ट यू रिस्पॉन्स इन अ पर्टिकुलर सिग्नल, जो आपको वहां पे फायर का जैसे ही शाउट होता है तो आप कितनी जल्दी रिएक्ट करते हो, ठीक है, दैट इज डिपेंड अपॉन योर कोऑर्डिनेशन। देन योर कंपोजिशन ऑफ मसल्स, अगेन जो कंपोजिशन ऑफ मसल्स है, जो मसल्स फाइबर मैंने आपको बोला था, ठीक है, स्लो ट्विच फाइबर मसल्स और फास्ट ट्विच फाइबर मसल्स, ये स्पीड आपकी डिपेंड करती है। अगर आपके पास बॉडी में फास्ट ट्विच फाइबर की मसल्स ज्यादा होंगे, नेचुरली यू विल बी गुड फॉर स्प्रिंटिंग इवेंट, तो आपकी स्पीड उतनी ही अच्छी होगी, ठीक है। देन एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ का भी डिस्कस, स्पीड एंड स्ट्रेंथ एक्सप्लोसिव, आपने स्पीड के साथ भी जाना है और ऑल आउट भी जाना है, तो दैट इज डिपेंड अपॉन टोटली योर एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। देन आपकी स्पीड का मेन होता है आपका फ्लेक्सिबिलिटी एंड बॉडी फैट, ठीक है, जो फैट्स बॉडी में कितने हैं आपके, हम जब भी स्पोर्ट्स करते हैं, ठीक है, एक होता है फैट जिसको ओबेसी हम बोलेंगे, ठीक है, एक होगा मस्कुलर, ठीक है, बॉडी जो आपकी होती है मस्कुलर बॉडी, एक फैटी बॉडी होगी है, आपके फैट्स बहुत है, ठीक है, फैट्स को आपने बर्न करके मस्कुलर बॉडी अपनी बना दी है, मसल बना दी है, दैट इज बाय डूइंग डिफरेंट ट्रेनिंग मेथड्स। तो देन व्हाट हैपन, देन दैट मसल्स विल हेल्प यू फॉर ईच एंड एवरी ट्रेनिंग, एवरी डेली रूटीन वर्क, कोई भी आप काम करते हो आप, ठीक है, तो
तो उसमें वो एक बेनिफिशियल एक आपको एज होता है, तो ये आपकी स्पीड पे डिपेंड करता है। देन योर फ्लेक्सिबिलिटी, अगर आपका आपका जॉइंट्स फ्लेक्सिबल होते हैं तो क्या होता है, वो आपका बड़ा स्मूथली वर्क करेंगे, फ्लूडिक होगा उसमें आपका। आप जब एक एक्शन करते हो, मूवमेंट सिंगल एक्शन, लेग्स को एक्सटेंड करना है, मूवमेंट सिंगल करनी है, अगर वो स्मूथली करते हैं, ठीक है, फ्लेक्सिबल होंगे, वो मोर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, आप लेग्स का जो आपका स्ट्राइड होता है, ठीक है, उस पर आपके स्पीड डिपेंड करती है, जो आपने आपके स्ट्राइड्स होते हैं, ये एक वन क्विक जिसको मूवमेंट बोलते हैं, दैट इज द मेन रोल आपकी स्पीड को इंक्रीज करने के लिए। ये हम स्पीड को इंक्रीज करने के लिए भी वो करते हैं, सिंगल मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ योर सिंगल एक्शन, ठीक है, तो उसमें भी आपका डिपेंड करता है आपकी स्पीड। ये 5-6 जो आपके ये मेन फैक्टर्स हैं जिसपे आपका स्पीड डिटरमाइन हम करते हैं। इसको इम्प्रूव करने के लिए, स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स, ठीक है। स्ट्रेंथ को हम बहुत, अगर आप आज 10 kg वेट पिक कर रहे हो, अगर आप पूरी एक्सरसाइज ट्रेनिंग अपनी शेड्यूल प्रॉपर आप करते हो, तो आप 100 kg तक भी उठा सकते हो, ठीक है, देर इज नो डाउट। बट इन द केस ऑफ स्पीड, इसको आप इतना एक्सपेंड नहीं कर सकते हो। हम शॉर्ट स्पैन में हम रिएक्शन टाइम, ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन, देन एक्सेलरेशन रन, स्पीड मूवमेंट, ये डिफरेंट स्टेजेस को हम इम्प्रूव कर सकते हैं उसकी स्पीड को इंक्रीज करने के लिए। बट इतना उसमें डिफरेंस नहीं आता है कि आप जैसे स्ट्रेंथ में हम स्ट्रेंथ को, फ्लेक्सिबिलिटी को, हम इसको आप, वो डिपेंड करता है एथलीट की प्रैक्टिस पे। अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हो, वर्कआउट करते हो, तो आप इसको बहुत एक्सपेंड कर सकते हो, ठीक है। बट इन द केस ऑफ स्पीड, आपको मैंने जैसे पहले कहा, ये हेरिडिटिकली होती है, जेनेटिकली होती है, ठीक है। समटाइम यू हैव सीन द इन सम फैमिलीज वो बड़े फैटीज होते हैं, ओबेसी, ठीक है, ओवरवेट, वो फैमिली में एक होता है आपका, दैट इज जेनेटिक, ट्रेडिशनली होता है कि आज उनके घर पे ये देखो सारे मोटे, तो ये आपका हेरिडिटिकली होता है। तो स्पीड में भी मेन फैक्टर यही होता है। देन आपका नेक्स्ट हो गया फ्लेक्सिबिलिटी। सिंपल है, अगर आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल है, इफ योर बॉडी इज फ्लेक्सिबल, यू कैन डू एनी मूवमेंट, एनी टेक्निक वेरी स्मूथली, रिदमिकली, इकोनॉमिकली, एंड दैट विल एनहांस योर परफॉर्मेंस, ठीक है। अगर आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होगी, अगर आपकी बॉडी स्टिफ होगी, तो व्हाट हैपन, देन देयर इज अ चांसेस ऑफ इंजरीज इन एनी मूवमेंट ऑफ योर स्पोर्ट्स, योर गेम, योर डेली वर्कआउट, ठीक है। तो हम बोलते हैं कई स्पोर्ट्स पर्सन जो खेल रहे थे, इसकी फिजिक कैसी है, वो एथलीट एथलेटिक्स फिजिकली फिट का कई का अपीयरेंस आप देखेंगे, अगर आप यू हैव सीन द बॉडी ऑफ जिमनास्ट, स्विमर्स, आप उनकी बॉडी देखेंगे तो आपको अलग ही डिफरेंस, डिफरेंट ही एक लुक होता है उनका, ठीक है। वो फ्लेक्सिबिलिटी का आपके, क्योंकि रेंज ऑफ मोशन ऑफ ज्वाइंट्स, हाउ मच यू एक्सटेंड योर ज्वाइंट्स, दैट इज योर कैपेबिलिटी ऑफ योर ज्वाइंट्स, उसको हम फ्लेक्सिबल बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें एक एग्जांपल होता है एक्सटेंशन, फ्लेक्शन हो गया, हाइपर एक्सटेंशन हो गया, ठीक है। अगर हम किसी चीज को, आपने इसमें एक वो है जिसको हम बोलते हैं, जिसको आर्म को फोल्ड करना, ठीक है, एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, देन हाइपर एक्सटेंशन, ठीक है। जैसे हम पीछे से ऐसे हैंड पकड़ते हैं, हम अगर मोस्टली राइट हैंड को पीछे करते हैं तो हमको वो डिफिकल्ट लगता है, लेफ्ट को पकड़ते हैं देन इट विल बी इजियर। तो फ्लेक्सिबिलिटी ये डिपेंड करती है आपकी बॉडी पे, ठीक है, आपके मसल्स की स्ट्रेंथ पे, आपके ज्वाइंट्स के स्ट्रक्चर पे, देन एज एंड जेंडर, देन कनेक्टिव टिश्यूज, हर चीज का बेटा एज, इसका एज, एज का रोल हर कंपोनेंट में है। एज वी, जैसे कोई भी ओल्डर होता जाता है तो उसकी हर चीज में डिक्रीज होती रहती है, ठीक है। बट ये नहीं है कि आप सोचें कि आप सारा कुछ इसमें डिक्रीज होता रहता है। अगर आप ट्रेनिंग करते हो,
यू हैव सीन सम एथलीट दे आर 100 इंडिया के ही हैं, फौजा सिंह 100 प्लस थे, वो रनिंग करते थे डेली, ठीक है। आपके मिल्खा सिंह से 90 प्लस, ही यूज टू डेली जॉगिंग। ऐसे बहुत से एथलीट हैं जो 80s 90s में 90 ईयर्स के होने के बाद भी अपने सुबह जॉग करते हैं, अपनी एक्सरसाइज करते हैं एंड दे आर फिट विदाउट हेल्प ऑफ एनी पर्सन, दे आर डूइंग देयर रूटीन वर्क। सबसे मेन फिटनेस का यही होता है, एज वी ग्रो ओल्डर अगर हम फिट हैं, फिटनेस लेवल हमारा अच्छा है, तो व्हाट हैपन, आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए सारे बोलते हैं कि आप वर्कआउट करो, फिटनेस करो, डेली कोई ना कोई एक्टिविटीज करो, सो दैट योर ऑल बॉडी पार्ट्स वो आपका फिट रहे। तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी का मेन पर्पस क्या होता है हमारा, कि उस एथलीट को हमने क्या करना है, उसके जॉइंट्स ऑफ रेंज ऑफ मोशंस को इतना एक्सपेंड कर देना, उसके मसल्स, ये मसल्स पे आपका डिपेंड करता है, ठीक है। आपके लिगामेंट्स, टेंडन जो जॉइंट्स के साथ अटैच होते हैं, उसमें कितनी स्ट्रेंथ है, वो कितना बियर कर सकते हैं एक्सटेंशन। और अगर आप धीरे धीरे डेली डेली करते हो, आप सपोज फर्स्ट डे इफ यू वांट टू टच योर टोज विदाउट बेंडिंग योर नीज, आपसे टोज टच नहीं हो रहा है, यू ट्राई डेली, व्हाट हैपन, आफ्टर वन वीक यू विल बी एबल टू टच योर टोज अगेन। यू डू सेम प्रैक्टिस विद द हेल्प ऑफ योर पार्टनर, उसको बोलो पीछे से प्रेस करे, हल्का का बेंड करे, देन आप टोज के अपने पैरों के ऊपर किसी ऊंची जगह पे खड़े हो जाओ एंड देन अगेन यू बेंड डाउन, तो आपका टोज से नीचे हैंड आना शुरू हो जाएगा। तो दैट इज अ फ्लेक्सिबिलिटी लेवल। अगर आपने डेली अपनी बॉडी को, मसल्स को स्ट्रेच करते हो, खेलने के बाद स्ट्रेचिंग करते हो, तो आपकी बॉडी में क्या होगा, एक फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी। आपको जितना आप फ्लेक्सिबल होगे, उतना आपको चांसेस ऑफ इंजरीज कम हो जाएगा। जिसकी बॉडी फ्लेक्सिबल होगी, वो कहीं पे गिर जाए, डाई मार ले, ठीक है, स्लाइड कर ले, एनी ऑकवर्ड पोजीशन में, कोई बॉडी कॉन्टेक्ट वाली जो गेम्स है वहां पे कोई धक्का लग जाता है, आपका हॉकी खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, वहां पे क्या होता है, ईच एंड एवरी टाइम बॉडी कॉन्टेक्ट है, आपको कोई पुश कर दिया किसी ने, ये सारी जोर वाली गेम होती है फुटबॉल वगैरह में, आपने देखा होगा कि वो टच करते हैं, शोल्डर मारते हैं। तो ये अगर आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होगी, तो आपको इंजरीज के बहुत कम चांसेस होंगे, इससे सिंपल। इसीलिए हम ये जो आपके 4-5 फैक्टर्स हैं, इस पे ट्रेनिंग में हम इसको बहुत ध्यान देते हैं। जब भी कोई स्पोर्ट्स ट्रेनिंग चलती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है, वो पहले फिटनेस, देन दे स्टार्ट विद नेक्स्ट स्टेप पीरियोडिक, जिसको मिलते प्रीपरेटरी फेज 1, प्रीपरेटरी फेज 2, प्रीपरेटरी फेज 3, देन कॉम्पिटिशन फेज एंड ट्रांजिशनल फेज। ये आपके ट्रेनिंग के मेथड्स होते हैं। इसमें भी माइक्रो, मेसो और मैक्रो साइकिल्स चलती है। ट्रेनिंग प्लान आपका टोटली डिपेंड करता है इसी पे, माइक्रो, मैक्रो एंड मेसो साइकिल, दैट इज वीकली, मंथली एंड ईयरली ट्रेनिंग प्लान।